दोस्तों इस चैनल पर अगर मैं ये दो काम ना करता तो मेरा ये चैनल कभी भी ग्रो ना हो पाता। ये काम मैंने जो है किया जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ मिली और मेरा चैनल जो है रातों रात जो है व्यूज पकड़ने लगा और ग्रोथ भी इसकी बढ़ने लगी। ये क्या ऐसा मैंने मेथड लगाया जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ में चला जा गया कि जो लोग सारे के सारे लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ रहे हैं, आपके चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं और आपका चैनल ग्रोथ में कैसे जा रहा है। तो दोस्तों इन सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि मेरे चैनल ने कैसे ग्रोथ पकड़ी और ऐसा क्या मेथड मैंने लगाया जिसकी वजह से ये निजा भाई का चैनल ग्रोथ पकड़ने लगा और आज इस मकाम पर पहुंच चुका है जो कि आपके सामने है और आपके सामने इसके 1700 सब्सक्राइबर हैं। इंशाल्लाह इस चैनल को मैं 1 मिलियन तक भी लेके जाऊंगा और इंशाल्लाह आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप भी अपने ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर और ऑर्गेनिक व्यूज ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको तरीकेकार सिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, YT स्टूडियो को ओपन कर देना है। जैसे ही YT स्टूडियो को आप ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक व्यूज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर मोर देन जो है व्यूज है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7000, मीन्स के 7000 से ज्यादा जो व्यूज मेरे वीडियो ने पकड़े हैं वो वीडियो में यहाँ पर मुझे शो कराएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी 2 वीडियोज आ चुकी है, एक पर 10,000 व्यूज हैं, एक पर 42,000 जो है व्यूज हैं। अब जो 42,000 व्यूज हैं इस वीडियो पर कैसे आए हैं, ऐसी क्या मैंने स्ट्रेटजी लगाई, ऐसा क्या मेथड लगाया, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। यहां पर इसको मैंने ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं इस पर अभी भी व्यूज आ रहे हैं। कहां से व्यूज आ रहे हैं, यहां पर ब्राउज फीचर से व्यूज आ रहे हैं। आपके भी ब्राउज फीचर से व्यूज आ सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको मेथड पता होगा, तरीकेकार पता होगा तो आप भी मेरी तरह जो है इस तरह से व्यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यूज मेरे ब्राउज फीचर से आ रहे हैं। अब आपको काम क्या करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपकी फर्स्ट वीडियो है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 डॉट, 3 डॉट को क्लिक करना है और इसके बाद एडिट पर क्लिक करना है और इसके यहाँ पर आपको टाइटल नजर आ रहा होगा आपकी वीडियो का, तो यहाँ पर मेरी वीडियो का टाइटल नजर आ रहा है, मैं इसको करता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है ये कॉपी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है यूट्यूब पर। आपको क्या करना है, यूट्यूब में आना है और यहाँ पर YouTube पर इसको जो है पेस्ट करना है सर्च वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर जो टाइटल आपका है उसको पेस्ट कर दे। जैसे ही मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हैं मेरी वीडियो आपको सबसे पहले नंबर पर नजर आ रही है क्योंकि ये मेरा टाइटल है जिस वजह से YouTube ने मुझे रिकमेंड करके दिखाया है कि भाई आपकी इस वीडियो पे इस टॉपिक पर ये वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी। आपको क्या करना है, 3 से 4 ईमेल आईडीज आपको बना देनी है और जिनको अपने टॉपिक से सर्च करके देखना है। अब आपको ना ही लिंक लगाकर सर्च करना है ना ही कुछ करना है, आपको अपना टॉपिक जो भी आपने टाइटल लगाया है उसको सर्च करके दिखाना है, मतलब कि उससे आपको अपनी व्यूज देने हैं अपनी वीडियो को। दूसरी ईमेल आईडी से, अपनी ईमेल आईडी से कोशिश करें ना दें, जो आपकी दूसरी ईमेल आईडी हो उनसे दें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे, जो कि इंप्रेशन बढ़ेंगे वो यूट्यूब के ब्राउज फीचर में जाएंगे और ब्राउज फीचर से आपको जो है लोग देखेंगे तो आपकी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे क्योंकि इंप्रेशन इंक्रीज होंगे तो आपकी वीडियो पर जो है व्यूज आएंगे। इसी तरीके से मैंने जो है अपनी वीडियो को वायरल किया और अपने चैनल को ग्रोथ में लाया। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो, अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।